हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक सुपर टेस्टी स्पाइसी फिश मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्ट है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे मैं 5 पीस रोहू फिश ली हूँ। इसको धो के अच्छे से क्लीन करी है। इसको मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे नमक डालेंगे, 2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच चिली पाउडर करके उसको अच्छे से मिलाएंगे, इसे मिक्स करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। अभी मछली को फ्राई करने के लिए यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल ली हूँ मैं। आप चाहे तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तेल अभी गर्म हो गया है, अभी फिश को यहाँ पे रखेंगे फ्राई करने के लिए। अभी इसको लो मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे एक साइड से। फिर इसको फ्लिप करके दूसरे साइड से फ्राई करेंगे। ये देखिए एक साइड से ये हो गया। अभी फिश हमारा ठीक से फ्राई हो गया है, अभी इसको निकाल देंगे एक प्लेट पे। वही सेम पैन में 1.5 बड़ा चम्मच तेल को गर्म करेंगे फिर से। अभी यहाँ पे 1 तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची और थोड़ा सा लौंग डाल के इसको बस 10 सेकंड के लिए ऐसे फ्राई करेंगे। 1 चम्मच जीरा, जीरा थोड़ा क्रैकल होने के बाद यहाँ पे चॉप्ड ऑनियन डालेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ पे प्याज का कलर पूरा चेंज हो गया है। अभी इसमें 10 से 12 करी लीव्स डालेंगे। इसको बस कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे चॉप्ड टमाटोज, थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसको कवर करके 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। 4 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर जो है सॉफ्ट हो गया है। अभी इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे मैं फिश मसाला डाल रही हूँ। यहाँ आपके पास अगर नहीं है तो चिकन मसाला भी डाल सकते हैं, मसाला इजीली अवेलेबल है मार्केट पे। 1 चम्मच चिली पाउडर, 1 या 2 मिनट करेंगे और 1 या 2 मिनट तक ऐसे फ्राई करेंगे। तेज पत्ता को यहाँ पे निकाल सकते हैं हम। अभी इसमें 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे।
अभी इसको कवर करके 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। चार मिनट के बाद ये देखिए मसाला अच्छे से कुक हो गया है। इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। पानी थोड़ा देख के डालिएगा क्योंकि ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसको ऐसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसमें नमक डालेंगे अभी। फिर से मिक्स करेंगे। अभी जो फ्राइड फिश है इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर देंगे। अब इसको कवर करके 10 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे। देखिए 10 मिनट के बाद इसमें 2 ग्रीन चिली डालेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं। थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, हल्के से इसको मिक्स करके इसको कवर करके 2 मिनट तक बस कुक करना है। बस 2 मिनट के बाद हमारा फिश मसाला देखिए पूरा रेडी हो गया। बहुत ही अच्छा इसका ग्रेवी देखिए इस टाइप का होना चाहिए। अभी गैस को ऑफ कर देंगे। टाइम टू सर्व। अभी इसको सर्व करेंगे। ये फिश मसाला जो है ये रोटी या राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम एंड डू कमेंट मी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।